आज हम सीखेंगे पाइपिंग कैसे बनाते हैं। पाइपिंग के लिए फैब्रिक चाहिए, जो फैब्रिक से आपको पाइपिंग बनानी है, और पाइपिंग की डोरी आती है। ये जो डोरी है इससे छोटी मतलब पतली भी होती है और इससे मोटी भी होती है, मैंने मीडियम साइज़ की ली है। अब फैब्रिक को हमें कट करना है। ये जो फैब्रिक जिस तरफ विथ है, जिस तरफ स्ट्रेच होता है, उस तरफ से हमें 1.5 इंच की ब्रॉड पट्टी काटनी है। रेडीमेड जो पाइपिंग होती है वो इसी फैब्रिक से ऐसे विथ में ही कटिंग करके बनती है। यहाँ से हम लेंगे 1.5। अब ये फैब्रिक के रॉन्ग साइड पे हमें पाइपिंग यहाँ पे रख के इसको फोल्ड करके इसके बाजू में सिलाई करनी है, डोरी के बाजू में। अभी पाइपिंग की डोरी को हमें परफेक्ट मिडल में नहीं रखना, मिडल से थोड़ा इस तरफ, ताकि हम इस तरफ का फिनिशिंग दे सके। अब इसको फोल्ड करके, सिंगल प्रेशर फुट भी यूज़ कर सकते हो, मेरे मशीन में ये फुट है जो एडजस्टेबल है स्क्रू से, और ऐसे फुट भी आते हैं सिंगल प्रेशर फुट जो आप मार्केट से खरीद सकते हो। जिस तरफ होल होगा उसी तरफ आपको पाइपिंग रखनी है। ये हमारी सिलाई हो गई है। अब इस तरफ जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसको हमें फोल्ड करके सिलाई यहाँ पे करनी है। जब हम फोल्ड करते हैं तो ये फैब्रिक सिलाई से थोड़ा सा गैप छोड़ के करनी है, ताकि जब हम पाइपिंग रखें तो ये बाहर की तरफ ना दिखे। फोल्ड हम इसलिए करते हैं कि ताकि अंदर की तरफ का फिनिशिंग भी अच्छे से आ जाए। ये हमारी पाइपिंग रेडी है दूसरे तरफ के फिनिशिंग के साथ, ताकि जब हम रखें पाइपिंग तो पीछे का तरफ का भी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पाइपिंग कैसे रखते हैं।